सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा हो आप सब? तो आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कार्स के अंदर कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। कई बार काफ़ी सारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और काफ़ी बड़े प्रॉब्लम उनकी कार में आगे फेस करनी पड़ती है। तो कई सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जब हम कार का इग्निशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ कुछ इंडिकेशंस आते हैं, कुछ लाइटें जलती है, तो क्या हमारे कार में कुछ प्रॉब्लम है या ये सही है, लाइट आती है या नहीं आती है उस टाइम पे। और कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहता है, इसमें इग्नोर करते करते जाते हैं और काफ़ी बड़ा उन्हें नुकसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इंडिकेशन जो कि इग्निशन स्टार्ट करने पर आते हैं और कुछ इंडिकेशन जो रहते हैं जो कि हट जाते हैं, कुछ आपके ड्राइविंग के टाइम भी रहते हैं। तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेरे कार के डेमो देखे। और तो वीडियो हमारा एंड तक देखते रहे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कई सारे सिंबल्स होते हैं कार के अंदर, काफ़ी सारे आपके सेंसर्स भी होते हैं। मींस वो जो इंडिकेशन आता है वो आपके सेंसर्स का ही आता है। सेंसर्स जो है वो आपके ECU यूनिट्स में भेजता है, मींस आपके ब्रेन के अंदर जो कि आपका कार का ब्रेन है, देन आपको डिस्प्ले पर शो होता है, मींस क्लस्टर मीटर पर आपको वो चीज़ें शो होती है। क्लस्टर मीटर पर काफ़ी सारे सिग्नल्स आपको शो होते हैं, लाइक बैटरी का शो होता है, आपका ऑयल टेम्परेचर शो होता है, और इंजन चेक लाइट आती है, और पार्किंग का आता है, एयर बैग्स के आते हैं, ABS के आते हैं, काफ़ी सारे है चीज़ें। बट ये चीज़ें तो शो हो रही है, तो क्या ये सही है? हमने इग्निशन स्टार्ट करा और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है? तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ें आपके जब आप इग्निशन स्टार्ट करते हैं ये सब चीज़ें आती है। और जैसे ही आप अपनी कार एक की घुमा के स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से हट जाती है। मीन्स अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी चीज़ें दिख रही है, लाइक इंजन चेक लाइट दिख रही है, बैटरी की लाइट दिख रही है, या ऑयल टेम्परेचर लाइट दिख रही है, या फिर कूलेंट की टेम्परेचर लाइट दिख रही है, मीन्स आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि जब जैसे ही हमारी कार स्टार्ट होती है ये सब जो क्लस्टर मीटर पे साइंस रहते हैं वो हट जाते हैं बिल्कुल। लाइक मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा मेरी कार में, मैं इग्निशन ऑन करूंगा देन गाड़ी स्टार्ट करूंगा, क्या क्या चीज़ें हटती है ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आइए क्लिप देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे कार का क्लस्टर मीटर। अब इसे मैं दिखाता हूँ मैं इग्निशन ऑन करके आखिर क्या क्या इसमें आपको वार्निंग लाइट्स देखने को मिलती। मैं इग्निशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने एक की घुमाया, देन ये मेरा इग्निशन स्टार्ट हो गया। सो इग्निशन स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते, पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो है ये आपका है पार्किंग, मीन्स हैंड ब्रेक का साइन है। अभी मीन्स मेरा हैंड ब्रेक लगा हुआ है, अभी मैं इसको हटा के नहीं दिखा सकता हूँ नहीं तो बैक जाएंगी पूरी गाड़ी मेरी, इसलिए ये हैंड ब्रेक का साइन है। या फिर अगर ये आपकी गाड़ी चलते चलते में अगर आपको ये साइन दिखता है, ये दोनों साइन है, तो ये दोनों साइन अगर आपको या इस ये दोनों साइन में से आपको कुछ दिखता है मीन्स आपके कुछ ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है। ये हैंड ब्रेक में भी होता है और ब्रेक में भी इसकी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ बिल्कुल कुछ इंडिकेशन हो रहा है जो कि पेट्रोल का है और किलोमीटर ड्रिवन का है और जो टेम्परेचर का, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ये टेम्परेचर का है, मीन्स कितना भी जो इंजन टेम्परेचर है वो कितना है। साथ ही साथ इधर मैं बात करूँ तो ये देख सकते हैं ये है बैटरी का साइन ऊपर वाला, मीन्स आपकी बैटरी जो है अगर ये गाड़ी स्टार्ट होने पर भी आती है मीन्स आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, आपका ऑल्टरनेटर में प्रॉब्लम है, आपका ऑल्टरनेटर जो है वो बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो आपको बिल्कुल ये चेक कराना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। नहीं तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए और वापसी में गाड़ी आपकी स्टार्ट ही ना हो तो आप वहाँ अटक सकते हैं। दूसरी बात करते ये सेकेंड लाइट जो आपको देखने को मिल रही है ये है ऑयल टेम्परेचर लाइट या ऑयल लेवल लाइट, ऑयल टेम्परेचर लाइट भी इसमें कहा जाता है इसे। यहाँ ऑयल का आपको टेम्परेचर देखने में मीन्स अभी रेड है तो ऑयल वैसे तो टेम्परेचर उसका हाई रहता है क्योंकि वो हर एक जगह लुब्रिकेट होता है इसलिए हाई रहता है, इसलिए रेड में ही आता है। तो ये ऑयल टेम्परेचर लाइट है, अगर ये आपकी गाड़ी चलते हुए मीन्स आपकी गाड़ी स्टार्ट है, आप रनिंग में है, रनिंग कंडीशन में, और ये साइन आता है मीन्स आपका जो इंजन ऑयल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और आपको इंजन ऑयल टॉप अप कराना ज़रूरी है। अगर ये चलते चलते आता है तो बिल्कुल इसे इग्नोर आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो सीज भी हो सकता है क्योंकि लुब्रिकेशन ही नहीं होगा और गाड़ी का इंजन जो है वो एक दूसरे से पिस्टन और सिलेंडर एक दूसरे से चिपक जाएंगी और वो गाड़ी आपकी सीज हो सकती है, तो ये अवॉइड करिए। इसके बाद जो नीचे लाइट आ जाती है वो है इंजन चेक लाइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट इंजन चेक लाइट। इंजन चेक लाइट मतलब मेन लाइट हो सकती है ये, अगर आपके इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मीन्स ऐसा तो आती है ये,
आपका इग्निशन स्टार्ट है, ये लाइट आएंगी, बट अगर रनिंग में आ रही है आपकी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये आ रही है, तो आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ इंजन में प्रॉब्लम है और आपको दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइट है, अगर ये आ रही है तो बिल्कुल आपको इमीडिएटली दिखाना है आपके सर्विस सेंटर में या जो भी लोकल मैकेनिक के पास, अगर ये रनिंग में आ रही है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं, इंजन में कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं, कई सारे जगह सेंसर होते हैं, ये हर एक जगह के एक कॉम्बिनेशन है। मीन्स अगर आपका फ्यूल लीड भी खुली होंगी तो इंजन चेक लाइट आपकी आपको यहाँ वॉर्न करेंगी। मीन्स कुछ ना कुछ आपकी गाड़ी में है जो कि प्रॉपर नहीं है, कुछ ना कुछ आपकी गाड़ी में हो रहा है, इंजन चेक लाइट इसे कहा जाता है, तो आप ये बिल्कुल इग्नोर ना करें। मेरे क्लस्टर मीटर में इतनी साइन आ रही है, दूसरी जो कारें हैं उसमें इससे ज़्यादा भी साइंस आती है, कई सारे आते हैं। यहाँ देख लीजिए काफ़ी अभी साइंस है जो कि हाइड है यहाँ पे, बट आती है, लाइक एयरबैग की साइन हो गई, और साथ ही साथ जो है हमारे ABS है उसकी साइन आती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ दिखती है। बट अगर मैं इग्निशन यहाँ मत अगर मैं अपनी कार स्टार्ट करता हूँ यहाँ, तो ये सब साइन हट जाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कार स्टार्ट करके। पहले मैंने दबा लिया हूँ अभी क्लच, देन मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करूँ, और आप देखना पूरी साइन जो है, मीन्स पार्क ये जो है ये वाली लाइट ये रहेंगी, क्योंकि अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और ये तीनों धीरे धीरे हट जाएंगी। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। देखिए गाड़ी स्टार्ट हुई, जितना भी थे यहाँ बने हुए वो सब हट चुके हैं। सो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट किए हो और अच्छे से आपको समझ गया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। हाँ वही बन गए हो।